जिसने साथ दिया हमारा दुनिया के देशों में, भारत का नाम, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम, हमारे भोपाल का नाम एक बड़े रूप में जाना गया। साथियों, हमने डिस्ट्रिक्ट में अपने जो देखा, मैं खुद अपने कुछ साथियों के साथ में गया, बैरसिया जैसी जगह में एक आंखों के ऑपरेशन के लिए 600 से ज्यादा गरीबों को उनकी आंखों का इलाज से लेके, उनके अस्पताल से लेके, उन्हें लोटे बर्तन देके, उन्हें कंबल देके रखने तक का जज्बा जो मैंने देखा, ये शायद अगर मैं लायनिज्म में नहीं जुड़ा होता तो हो सकता है कि मुझे ये देखने का अनुभव नहीं होता। साथियों, मेरा क्लब भोपाल लायन क्लब, हम कुछ परमानेंट प्रोजेक्ट चलाते हैं। मेरे पिछले अध्यक्षों ने उस परंपरा को जो स्थापित किया है, उसे हम हर साल 15 अगस्त से गरीबों को, कोड़ियों को, वृद्धों को, भूखों को, इसके लिए हम लोग अपने घर से अपने साथियों के साथ निकल के इस कार्यक्रम को लगातार बनाए हुए। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि गरीब परिवार के लिए भारत सरकार अपनी तरफ से योजना चला रही है, लेकिन हमने भी अपने लायंस साथियों के साथ में मिलकर उस अंतिम आदमी जिसको येलो कार्ड कहा जाता है, पीला कार्ड धारक भोपाल में, उसे ढूंढ ढूंढ कर हमने मुफ्त में गैस चूल्हा, रबर पाइप, सिलेंडर, रेगुलेटर, इसकी सारी की कीमत ऑयल कंपनी ने दी, जो आने वाले वर्षों में उससे वसूल की जाएगी। भोपाल शहर को धुआं रहित बनाने में हमने कुछ लायन साथियों के साथ में और जो इस कंपनी से जुड़े हुए व्यवसाय में लोग हैं उनके साथ में इसको आगे बढ़ाया, क्योंकि ध्येय हमारा ये है कि भोपाल शहर धुआं मुक्त हो। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर आप इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, जैसा मैं बाद में बताऊंगा कुछ और स्वच्छता अभियान में, ये शहर यूं ही नहीं दो नंबर पे पहुंच गया, इसमें हमारे पास गवाह हैं, इसमें हमारे पास लोग हैं, इस सभा में बैठे हैं, कि हमने स्वच्छता अभियान का मतलब ये नहीं था कि हम सिर्फ स्वच्छ करें। स्वच्छता का अभियान का मतलब ये था कि हम जब कचरा इकट्ठा करें तो उसको एक कूड़े के दान में डालें और उस कूड़े दान को भी व्यवस्थित रूप से जहां नगर निगम पहुंचाना चाहता है उस स्तर पे काम किया। साथियों, कुछ साथी हमारे बहुत सीनियर हैं, बहुत पुराने हैं, उसे भी मैं अपने आने वाले नए अध्यक्ष के लिए आगाह करते हुए कि समय 12 महीने का शायद बहुत होता है जिसमें हम 12 एक्टिविटीज, 12 से ज़्यादा और भी काम कर सके, तो उनको नए अध्यक्ष के साथ में मिलकर आशीर्वाद देने के लिए भी मैं उनसे विनती करना चाहता हूँ। साथियों, मैं कुछ आखिरी लाइन कह के जिंदगी में मेरा जो अनुभव है, मैं अपने आप को एक उड़ान से जमीन पे लाया, मैं पायलट हूँ और वहां से मुड़ते हुए मैं राजनीति में चला गया। अनुभव ये कहता है कि जो ऊंचाई और हवाई जहाज है उसमें मेरे ख्याल से मंच के सारे लोग गवाह हैं कि इस क्लब को हमने 100 क्लब जो डिस्ट्रिक्ट में इकट्ठे हुए थे भोपाल में,
भोपाल लायंस क्लब का ये जो बैनर आप सब देख रहे हैं, इस बैनर को जब लेके हमने अपनी कैटवॉक करी तो मुझे खुशी होती है कि सभी साथी हमारे जो भोपाल लायंस क्लब के थे, जिन्होंने मुझे सीख देने की कोशिश की, उनके आशीर्वाद से इस बैनर को मैंने 100 क्लब्स में प्रथम पुरस्कार दिलवाया। ऐसा ही कुछ हमारे क्लब के साथी शायद पीछे छूट गए हो, जिन्हें ये नहीं मालूम हो कि हमने क्या एक्टिविटीज की, तो मैं आज उन्हें इस मंच से फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि जो हम साल भर काम करते हैं उसका एक लेखा जोखा होता है, उसकी एक किताब बनती है, उस किताब को स्क्रैप बुक कहा जाता है। उस स्क्रैप बुक के अंदर हमारे साल भर की एक्टिविटीज हमने क्या की, मैं चित्र के, मैं पेपर कटिंग के होती है, तो मुझे खुशी है कि हम स्क्रैप बुक बनाने में, अपनी एक्टिविटीज को लायन साथियों के बीच में पहुंचाने में कामयाब रहे और इस क्लब ने स्क्रैप बुक में भी प्रथम स्थान पाया। हमने झोन में गोल्ड प्रेसिडेंट का अवार्ड पाया। बहुत सारी चीजें हैं जिंदगी में, बहुत की, बहुत खोया, बहुत पाया, अच्छे दोस्त मिले। मैं इस अवसर पर याद जरूर कहूंगा अशोक नंदा जी को, जिन्होंने अपने स्कूल में पेंटिंग कॉम्पिटिशन करवाया, क्यूट चाइल्ड शो कराया। संजय गुप्ता जी को याद करना चाहूंगा, जिन्होंने स्वच्छ भोपाल अभियान में, पीछे साथ में कोठारी जी बैठे हैं, हम हैं, मालवी जी बैठे हैं, कई साथी हमारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमने खुद झाड़ू लगा के कचरा इकट्ठा किया और कचरा इकट्ठे कर